युवराज ने हमें धोखा दिया, इसमें कथा की कोई गलती नहीं है। कबीर तुम तो रहने ही दो, जितनी मासूम ये दिखती है ना उतनी है नहीं। काश ये बात तुम समझ पाते। दीदी अगर आप पे कोई गलत इल्जाम लगाता ना तो मैं आपके लिए भी यूं ही खड़ा रहता, आपका साथ देता, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना उसमें ना ही कथा की गलती है और ना ही मान्यता की। ये घर उतना ही उनका है जितना हम सबका है। इस घर में कोई भी उनसे बदतमीजी से बिहेव नहीं करेगा। बहुत सही जा रहे हो कबीर, देख पा रही हूँ मैं कि कैसे धीरे धीरे ये घर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे ससुराल वालों का होता जा रहा है। बस मैं ही पराई हूँ इस घर में। दीदी आप कैसी बातें कर रही? मैडी कम से कम आज के दिन तो लड़ाई झगड़ा मत करो। अरे कल रक्षाबंधन है। हाँ याद तो है, लेकिन ऐसे भाई से क्या रक्षा की उम्मीद करूं जो बीवी के आते ही बदल गया। मैडी जी हम लड़की वाले हैं बेटा, अगर इन्होंने दो बातें कह भी दी ना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और सच बताओ मुझे बंधु की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। पर ये तेरा ससुराल है, अगर तूने दो बातें कह दी ना तो सबको कितना बुरा लगेगा तूने देख लिया ना आज। कथा ने कुछ गलत नहीं कहा है जान। और ये क्या बात हो गई कि लड़की वालों को लड़के वालों के सामने झुक के रहना पड़ेगा? हम किस जमाने में जी रहे हैं? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि हम सब अब एक परिवार हैं, तो इस नाते मैडी दी को भी कथा से, आपसे या मन्नू से बदतमीजी से बात करने का कोई हक नहीं है। और सच बताऊ ना हम सब साथ पले बड़े हैं। मैडी दी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, गुस्सा उनके नाक पे रहता है और जब वो गुस्से में होती है ना तो जुबान पे कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी कह देती, पर दिल की बहुत साफ है, इसकी गारंटी मैं ले सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको और मन्नू को बुरा लगा हो, इसलिए मैडी दी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि हमारी वजह से तुम दोनों में खामखा किटपिट हो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं मैडी दी को अच्छे से जानता हूँ, उन्हें मनाना भी अच्छे से जानता हूँ। और वैसे भी कल तो रक्षाबंधन है और मैडी दी अपने भाई से कब तक नाराज रहेंगी? ओ मनु अब तक नहीं बताया कि गिफ्ट में क्या चाहिए। नहीं जीजू मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू। कबीर तुम इसे ज्यादा सर मत चढ़ाओ, इसके डिमांड्स कभी पूरी नहीं होंगी। और इसे कुछ भी दिलाना लेकिन फोन मत दिलाना। सेल्फी क्वीन सेल्फी लेती रहेगी है ना। मैडी मासी और कबीर मामू की लड़ाई हो गई है क्या? भाई बहनों में तो छोटे मोटे फाइट्स होते रहते हैं और आज तो रक्षाबंधन है, सब सही हो जाएगा। चलो एक बनाओ रंगोली। मैं फूल लगाऊंगी। मैं लगाऊंगा। मासी ये देखो ये मेरे ये फूल डाल रहा है, वो बोलो ना मेरा डिजाइन गलत नहीं करा है। आर्यन मेरे पास आओ। वाह थाली रेडी। तुम्हारी राखियां ना हर साल की तरह एकदम तुम्हारी तरह खूबसूरत है। और आज किसी की कलाई पे राखी बनने वाली है उसकी खुशी तो छिपाई नहीं छिप रही है। ऑफ कोर्स क्यों ना खुश हो, तुम्हें क्या पता जिन भाइयों की ना बहन नहीं होती ना उनके दिल पर क्या बीतती है, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। मैं भी जानती हूँ। अपनी बहन के लिए इतना बड़ा गिफ्ट, हमारी एनिवर्सरी में तो मुझे नहीं दिया इतना बड़ा गिफ्ट कभी।
तुम्हें कब कौन सी बात बुरी लग जाए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यू इम्पॉसिबल। टेंशन मत लो, मैंने कहा था ना मैं अपनी बहन को मना लूंगा। चलो बच्चों आओ जल्दी से राखी बांधो। चलो चलो आप बड़ों की बारी है। मासा क्यों ना इस साल नए भाई बहन से शुरू किया जाए। वो तो दिख ही रहा है कि किशोर जी से इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। ऐसे नहीं, बहनों की जगह भाइयों के दिल में होती, उनके कदमों में नहीं। और आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना कि ये बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहेगा, कभी कोई आंच नहीं आने देगा तुम्हें। तो अब बताओ इस छोटी बहन को बड़े भाई से क्या गिफ्ट चाहिए। किशोर जीजू, मुझे मंजू जी से पता चला है कि आपको बॉर्डरलाइन शुगर है, तो गिफ्ट के तौर पर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप एक हफ्ते में बस एक ही बार मीठा खा सकते हैं। लो भैया, छोटी बहन ने बड़े भाई की बैंड बजा दी। भारी पड़ गया तुम्हें छोटी बहन बनाना। ऐसी इमोशनल बातें करके मेरे सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में कर रही। आखिर धीरे धीरे सबको मुझसे दूर जो करना है इसको। चलो शगुन की मिठाई तो खिला दो। और ये शगुन की मिठाई के साथ में ये शगुन। नहीं जीजू, मैं कैसे। ले लो कथा, रक्षाबंधन के दिन पे शगुन लेना एक बहन का हक होता है। बिल्कुल। थैंक यू जीजू। भाभी साहब, आपकी चॉइस को ध्यान में रख के मैंने ये गिफ्ट लिया है। आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू भैया। भाई चलो चलो, अब पुराने भाइयों की बारी है। कबीर, युवराज, चलो दोनों आओ। अरे सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? रक्षाबंधन का दिन है, कोई भी अपने दिल में कड़वाहट नहीं रखेगा।
मेरा गिफ्ट? थैंक यू वीर भाई, मैं आपको राखी बांधू। यूवी तुम मैड है क्या? राखी तो सिर्फ गर्ल्स बॉयज को बांधते हैं ना, बॉयज कैसे बांध सकते हैं? तो क्या हो गया, जैसे बेस्ट फ्रेंड बैंड बॉय या गर्ल किसी को भी बांध लेते हैं, यूवी राखी अगर दो भाइयों के बीच फ्रेंडशिप बैंड करके बांधे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है? अभी मैं अपनी राखी ले आता हूँ। रो वाली राखी हर साल मैं बांधूंगा भीर भाई को। हेलो आशा, हमेशा खुश रहो। आपका गिफ्ट। मंजू जी, इसमें एक वाउचर। आपको डिशवॉशर चाहिए था, शाम तक डिलीवर हो जाए आपके लिए। थैंक यू। चल मधु, अब तेरी बारी बेटा, थाली लेके आ गया। बेटा, राखी पहले बड़े भाई को बांधी जाती है ना? It's okay, मासा। इसमें क्या बड़ा छोटा? जिस तरीके से मुझसे कल बात की थी ना कबीर, मेरा भरोसा ही उठ गया है कि तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। नाडी दी,
अब तो अच्छी तरह जानती है कि मैं अपनी बहनों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और कल जो हुआ ना, उसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं जानता हूं कि आपको कैसे मना सकता हूं। आप जल्दी से राखी बांधिए, आप अपना जब गिफ्ट देखेंगी ना, यूं मान जाएंगी। चलिए बांधिए राखी मुझे। नहीं कबीर, इस तोहफे से मेरा मूड ठीक नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें राखी बांधूं, तुम्हारी पत्नी को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस साल मेरी तरफ से तुम्हारी कलाई सुनी रहेगी। मैडी, कैसी बात कर रही हो तुम? राखी बांधने के लिए भी कोई बहन शर्त रखती है? मैडी दी, राखी का त्योहार है, कोई मजाक थोड़ी ना है। प्लीज गुस्सा हटा दीजिए ना। मैडी दी, हम सब जानते हैं कि बीर भाई अपने भाई बहनों के लिए जान तक दे सकते हैं, और ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। यूवी, तुम तो बिल्कुल बीच में मत बोलो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मधु, इस तरह की बदतमीजी आज तक नहीं हुई है इस घर में। तुम अपने बड़े भाई को राखी के दिन राखी बांधने से मना कर रही हो? भाई बहन का रिश्ता इतना छोटा होता है क्या? नहीं मासा, मुझसे ढोंग नहीं होता, जो है साफ सबके सामने बोल देती हूँ। और मैं कहाँ मना कर रही हूँ राखी बांधने के लिए? कथा माफी मांगेगी और मैं राखी बांधूंगी। ठीक है मैडी थी, मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे रुक जाओ कथा। तुम माफी नहीं मांगोगी? चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि कथा के लिए तुम्हारा प्यार अपने भाई बहन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन कबीर तुम कम से कम ये तो मानते हो ना कि मैं कथा से बड़ी हूँ और कथा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ मैडी थी, बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने जैसे ईजा से बात किया, बदतमीजी तो वो थी ना। मैडी दी, बड़ा होने का ये मतलब नहीं होता है कि गलती करने पर भी टोका ना जाए। मासा, देख रही है ना आप, देख रही है ना कि कबीर ने मेरे से कैसे बात की? हाँ, लेकिन आज भी आप कुछ नहीं बोलेंगी, चुपचाप खड़ी रहेंगी और कबीर का ही साथ देंगी। कबीर बेटा, मधु बेटा, ये बात आज यही छोड़ दो बेटा। रक्षाबंधन का इतना बड़ा त्योहार है, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो बेटा, यही खत्म करो प्लीज। मैडी दी, मैं आप
मासा आप बिल्कुल सही कह रही, मैं खुद नहीं चाहता हूं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो, और वो भी ऐसे दिन पर, रक्षाबंधन पर। पर मेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो माफी नहीं मांगेगी।